मन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभा। उत्तराखंड राज्य में पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से चर्चा का केंद्र पूरे देश में अब उत्तराखंड बन चुका है। लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसका ताल्लुक युवाओं के भविष्य से है। यूके पीएससी पेपर लीक हुआ है, उससे पहले यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक और उससे पहले विधानसभा भर्ती घोटाले की जो बात निकलकर सामने आई थी। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अध्यक्ष अंकित उचौली। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नेशन वन में। धन्यवाद ऋषिभा जी, और आपके इस चैनल का धन्यवाद, इस माध्यम का धन्यवाद कि इस समय इतने जरूरी मुद्दे पर आपने इसके लिए समय निकाला है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया अंकित। शुरुआत हम सवालों की करते हैं और मेरा पहला सवाल होगा बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार की जमानत को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रदर्शन के दौरान बॉबी पवार ने मुख्य भूमिका निभाई और अब उनकी जमानत हो गई है। कल ही उन्हें रिहा किया गया है जेल से। 9 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो अब आपको क्या लगता है कि बॉबी पवार उतने ही जोश से युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे जितना कि वो पहले कर रहे थे गिरफ्तारी से? जी जी बिल्कुल करेंगे, बॉबी पवार जी भी करेंगे और पूरा बेरोजगार संघ भी करेगा, और उत्तराखंड का जो भी युवा है, चाहे जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कोचिंग कर रहा, जो छात्र है, जो पहाड़ का मेहनत का युवा है, ये सब लोग मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इस कल जमानत वाले प्रकरण पर दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। कल जिस तरीके से लगातार पुलिस और सरकार ने कोशिश करी कि बॉबी पवार, लुसुन टोडेरिया सहित जो 13 युवा थे उनको जमानत न मिले, और उस पर हम लोगों ने देखा कि कल का जो फैसला आया है उसमें अदालत ने साफ तौर पर जो है कई सवाल खड़े किए हैं सरकार के रवैये पर, पुलिस प्रशासन के रवैये पर। जैसे कि उसमें पहले धारा 307 लगाने का जो मामला था, पहले उसमें कहा गया कि धारा 307 लगाई जाएगी, पहले लगाई पुलिस ने, उसके बाद फिर हटाई, और फिर ये मांग करी अदालत ने कि उस धारा 307 को फिर से जोड़ा जाए। उस फैसले को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम एक पॉइंट और करें जिसमें पुलिस के द्वारा पहले ये आरोप लगाया गया था कि कई पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ी गई, लेकिन अदालत ने कहा कि अदालत में इस तरीके की कोई भी वर्दी सबूत के तौर पर सबमिट नहीं हुई है। इसके अलावा हमने देखा कि पुलिस ने पहले रिपोर्ट में जो है ये भी लिखा था कि भाई जो हमारे कई पुलिसकर्मी हैं उन पर गंभीर चोटें आई, और उसी के हिसाब से वो दोबारा से धारा 307 को लगाने की मांग कर रहे थे अदालत से। लेकिन अदालत ने ये साफ उस रिपोर्ट में लिखा है, अपने जजमेंट में लिखा है कि इस तरीके से कोई भी केवल जो चोटें लगी वो कोई वो मामूली चोटें हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको अदालत ने साफ किया, और अदालत ने उस फैसले में ये लिखा है कि ये किसी जिसके हिंसात्मक प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। इसका साफ तौर से मतलब है कि ये जो सामान्य प्रदर्शन होते हैं छात्रों युवाओं के, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होंगे उसमें जरूर ये हिस्सा ले सकते हैं। तो ये सारी बातें पुलिस के रवैये पर, प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हैं। ये एक सवाल और लेना चाहूंगी अंकित जी की शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात हुई है तो अभी हाल ही में कांग्रेस ने एक तस्वीर साझा की जिसमें पुलिस कर्मियों के हाथ में पत्थर नजर आए, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें छात्रों के हाथ में पत्थर है और वो पुलिस कर्मियों पर और पुलिस वाहनों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो जो युवा पत्थरबाजी कर रही हैं तो वो प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण रहा ही नहीं, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इस घटनाओं की क्रोनोलॉजी को अगर हम लोग देखें तो 9 फरवरी को ये गिरफ्तारी हुई थी, तो 8 फरवरी की रात तक जो है बॉबी पवार सहित कई युवा गांधी पार्क में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि इस समय कोई ऐसा कहने की स्थिति में नहीं होगा कि उस रात को या उससे पहले जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसके दो तीन दिन पहले तक किसी भी प्रकार का कोई हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ हो। वे युवा शांतिपूर्ण तरीके से गांधी पार्क में धरने पर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन जो है रात को वहां वहां से उठाया। उसके बाद जो है जब उन युवाओं की गिरफ्तारी हुई तो पूरे प्रदेश के जो युवा थे वो सड़क पर आए, और आना भी जरूरी था, वो लोग सड़क पर आए। उसके बाद पुलिस ने कोशिश करी कि इस तरीके का, पहले पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उसके बाद ये प्रदर्शन जो है हिंसात्मक रूप लिया। और उसमें साफ तौर पर जिस सवाल को आपने भी उठाया कि भाई इसमें ये सोचने की बात है कि युवाओं ने तो हिंसात्मक प्रदर्शन किया, युवाओं पर आप धारा 307 भी लगा रहे हैं, लेकिन उन पुलिस
वालों की शिनाख्त कौन करेगा, उनकी पहचान कौन करेगा? तो उत्तराखंड पुलिस को जो है वो जो पुलिस वाले थे जिनके हाथ में वो पत्थर पकड़ा गया, उनकी भी शिनाख्त होनी चाहिए, उनका भी फोटो सार्वजनिक होना चाहिए कि इनकी भी शिनाख्त हो। जी चलिए, तो इसी के साथ अब मेरा आपसे अगला सवाल है नकल रोधी कानून को लेकर। जैसा कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं राज्य में चलन सा हो गई हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं, हर साल UK SSSC UK PSC पेपर के लीक होने की खबरें सामने आती हैं, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं का मनोबल भी आहत हो रहा है जो तैयारियां कर रहे हैं, जो सालों साल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इसी को लेकर अब सरकार ने गंभीरता को देखते हुए नकल रोधी कानून बना दिया है, और जितना सख्त ये कानून है, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई है, साथ ही अगले 10 साल तक परीक्षा ना देने की भी बात कही गई है, और साथ ही साथ ये भी कि संपत्तियां जब्त हो जाएंगी, तो कई तरह के सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि जितना सख्त ये कानून है, क्या इसका पालन भी उतनी ही सख्ती से राज्य में होगा? देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति इस समय उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड में की गई है। और जिस दिन ये कानून लाया गया, और कानून क्यों लाया गया, क्योंकि देहरादून में युवा प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वो प्रदर्शन नहीं होता तो युवाओं की वो मांग भी पूरी नहीं होती। और उस कानून को लाने की मंशा आप इस मामले से देखिए कि उस कानून के मुताबिक जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ वो किसी नकल करने वाले पर नहीं हुआ है, या पेपर लीक करने वाले पर नहीं हुआ है, बल्कि पटवारी भर्ती परीक्षा में एक युवा, उत्तरकाशी के एक युवा ने पहले लिखे, और उसमें भी ये बात की है कि पहले उस युवा ने लिखित शिकायत दर्ज करी और उसके बाद मीडिया में बयान दिया, और उस युवा ने ये आशंका जाहिर करी कि उनका पेपर सील नहीं था और पेपर लीक की उन्होंने आशंका जताई। और इस आरोप के बाद, इस बयान के बाद जो है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा पहला मुकदमा उस युवा पर किया गया। तो सरकार और पुलिस, मुझे लगता है कि जो नकल करने वाले जो लोग हैं उनको तो पकड़ नहीं पा रही है, जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनको पकड़ नहीं पा रही है। अगर इतनी तत्परता, जितनी तत्परता इस मामले में दिखाई गई और उस युवा पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया, अगर उतनी तत्परता जी जब से राज्य बना है तब से अगर यहाँ की पुलिस और यहाँ की सरकार नकल करने वालों पर कार्रवाई करती, उतनी तत्परता उन पर दिखाती, या पेपर लीक करने वालों पर उतनी तत्परता दिखाती, तो मुझे लगता है कि आज युवा को इस तरीके से सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। और आज जो पहाड़ का जो मेहनतकश युवा है, जो बड़ी गरीबी से आकर के देहरादून श्रीनगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा है, तो उसके मनोबल को कहीं ना कहीं उसके मनोबल के साथ धोखा हुआ है, उसके मनोबल के साथ सरकार ने छलावा करने का काम किया है। और जब इस प्रकार के लगातार प्रकरण उठ रहे हैं, आप देखिए कि इस समय सरकार प्रदेश में भाजपा की है, और अधिकतर आप मामले देखेंगे तो कहीं ना कहीं से, चाहे हाकम सिंह से लेकर के और जो मनराल की बात अब आ रही है, लगातार जो है भाजपा से इन सारे घोटालों के तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। चाहे विधानसभा घोटाले की बात हो, तो हर घोटाले में ऐसा क्यों है कि सरकार में जो पार्टी है उसकी उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। चलिए, इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोचिंग के जो संचालक हैं वो भी शामिल नजर आ रहे हैं। हाल ही में रुड़की में एक जीनियस कोचिंग है जिसके संचालक विवेक को गिरफ्तार किया गया है, और उसने ये बात कबूली है SIT के सामने कि उसके ताल्लुक है पेपर लीक माफियाओं से, और उसने बच्चों को AE और JEE के पेपर 20-20 लाख रुपए में दिए हैं। तो ऐसे में इसे आप किस नजर से देखते हैं कि संचालक भी इसमें पूरा पूरा हाथ है शामिल, कोचिंग के संचालकों का? जी, बिल्कुल, कोचिंग संचालक भी शामिल होंगे, बहुत सारे पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसी के लिए तो हम लोग और जो बेरोजगार संघ है लगातार इसी मांग को तो उठा रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरे घोटाले हुए हैं, चाहे आपका UKPSC का घोटाला हुआ हो, चाहे पटवारी भर्ती का घोटाला हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस जो SI परीक्षा का घोटाला हुआ हो, जितने भी घोटाले हुए हैं इनकी CBI जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। अंततः लोग क्या चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं कि भाई पहले इसकी विधिवत रूप से जांच हो जाए, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, चाहे कोचिंग संचालक हैं, चाहे किसी पार्टी का कोई नेता हो, या कोई इंजीनियर हो, कोई टीचर हो, जो भी इसके पीछे शामिल हो। इसीलिए युवा ये मांग कर रहे हैं कि पहले CBI जांच हो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में, ताकि ये पता लग सके कि कितने लोग इसमें शामिल हो। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, और युवाओं की जो मांग है वो मांग यही है कि पहले सारी जांचें समाप्त हों और उसके बाद ही किसी परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाए। जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी जो दोबारा इसी फरवरी के माह में हुई, तो उसमें भी युवाओं की पहले मांग थी, बेरोजगार संघ की मांग थी कि उस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए और उससे पहले जांच करनी चाहिए और उसके बाद कोई परीक्षा हो, ताकि
हर बार ऐसा ना हो कि युवा जो है परीक्षा देने सेंटर पर जा रहा है, उसके बाद उसको खबर उसे मिलती है कि पेपर लीक हो चुका है, और सरकार किस प्रकार अपनी पीठ को थपथपा रही है कि पटवारी परीक्षा एक बार लीक हुई तो सरकार ने कहा कि हम इस पेपर को निरस्त कर रहे हैं, और अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि हम उत्तराखंड रोडवेज की बसों को निःशुल्क करेंगे, और वो की भी। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या जब एक परीक्षार्थी उस अपनी परीक्षा को दोबारा देने जाता है तो केवल बसों की व्यवस्था करने से क्या उसका वो आर्थिक बोझ कम हो जाएगा? वहां जो यहाँ का परीक्षार्थी देहरादून, मतलब रुद्रप्रयाग का कोई परीक्षार्थी आप लगा लीजिए, अगर कोटद्वार के भीतर पेपर देने गया होगा, देहरादून हरिद्वार के भीतर पेपर देने गया होगा, तो उसका खाने का भी कुछ खर्चा लगा होगा, उसका रहने का भी कुछ खर्चा लगा होगा, आने जाने में जो दिक्कत हुई होगी और दोबारा से उसको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इसको सरकार लगातार कई समय से नजरअंदाज कर रही है, और सरकार हर बार कोशिश कर रही है कि अपनी पीठ किस तरीके से थपथपाई जाए। जी, चलिए एक और सवाल मेरा जी आपसे। हाल ही में सीएम के आवास से कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें ये बात कही गई थी कि बेरोजगार संघ के जो लोग हैं उनसे मुलाकात की गई है, बेरोजगार संघ के लोगों ने सीएम से मुलाकात की है। तो इस पर आपकी क्या विशेष टिप्पणी है कि बेरोजगार संघ के लोग गए थे सीएम से मुलाकात करने? देखिए, ये तो सरकार लगातार आंदोलन, जो युवाओं का जो आंदोलन लगातार देहरादून के भीतर चल रहा है और पूरे प्रदेश भीतर, प्रदेश भर के भीतर चल रहा है, उसको लगातार तोड़ने की साजिश सरकार कर रही है, और उस साजिश के तहत सरकार ऐसा कर रही है कि कोई प्रतिनिधिमंडल बेरोजगार संघ का, ऑफिशियल कोई प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गया। लेकिन आपने लगातार देखा कि पहले प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड की सरकार द्वारा ही प्रचारित किया गया कि बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जो है हमसे आज मुख्यमंत्री से मिला, और उसमें एक गुलदस्ता देने वाली तस्वीर भी वायरल हुई। एक तरफ सरकार बेरोजगारों पर लाठी बरसा रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग जाकर के मुख्यमंत्री को गुलदस्ता दे रहे हैं, और उसके बाद एक फोटो वायरल हुई कि इनसे वार्ता बहुत अच्छी रही। तो सरकार लगातार इस तरीके की साजिश कर रही है खुद से, जो मतलब अगर बेरोजगार संघ की तरफ से कोई आदमी नहीं गया और सरकार उसे खुद ही घोषित कर दे रही है कि ये बेरोजगार संघ की तरफ से ये प्रतिनिधिमंडल आया, और उस प्रतिनिधिमंडल में बाद में पता लगा कि कोई पटवारी भी उसमें शामिल थे, पता लगा कि कोई सेंट्रल स्कूल के शिक्षक भी उसमें शामिल थे। तो इस तरीके की साजिश लगातार सरकार कर रही है, और इस पर बेरोजगार संघ ने भी बाद में क्लैरिफाई किया कि हमारा कोई प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिलने नहीं गया। उसके अलावा जो लोग भी वहां अंदर मिलने गए थे उनके द्वारा भी ये स्पष्ट किया गया कि हम बेरोजगार संघ की तरफ से अंदर नहीं गए थे। तो जो लोग मिलने गए थे वो कह रहे हैं हम बेरोजगार संघ की तरफ से नहीं है, लेकिन सरकार का जो ऑफिशियल उत्तराखंड डीपीआर का जो पेज है उस पर ये लिखा गया कि लगा बेरोजगार संघ की तरफ से लोग गए। और उसके अलावा एक और प्रकरण कल परसों में पीसीएस की परीक्षा को करवाने को लेकर के उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो पीसीएस के जो अभ्यर्थी थे जिनका प्री क्लियर हुआ होगा वो मिलने गए, तो उसमें उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इस बात को कहा कि पहले हम परीक्षा की स्पष्ट जांच चाहते हैं, उसके बाद ही परीक्षा कंडक्ट करवाई जाए। और उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जरूर कहा कि तुरंत हमें परीक्षा चाहिए। तो उत्तराखंड की सरकार का कमाल देखिए कि उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के युवाओं की बात को नहीं सुन रही है, यहाँ के पीसीएस अभ्यर्थियों की नहीं सुन रही है, और यूपी की बात, यूपी के अभ्यर्थियों की बात को उन्होंने सुना, और उन्होंने कहा कि युवा हमसे ये मांग कर रहे हैं कि त्वरित रूप से, तुरंत रूप से इस परीक्षा को करवाया जाए। तो सरकार का जो फोकस युवाओं की समस्याओं का समाधान करने में होना चाहिए था, नकल के पीछे जितने भी लोग हैं उनको सलाखों के पीछे भिजवाने में होना चाहिए था, और इसके इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्वमेंट हैं उसको पकड़ने में होना चाहिए था। उसके उलट सरकार क्या कर रही है, सरकार युवाओं पर मुकदमा, धारा 307 कैसे लगाई जाए इस पर ध्यान दे रही है, किस तरीके से अपनी सरकार का बचाव किया जाए ये ध्यान दे रही है, और इस प्रकार के जो डेलीगेशन है जो कि ऑफिशियली रूप से बेरोजगार संघ के द्वारा नहीं भेजे गए, ऐसे डेलीगेशनों को प्रचारित कर रही है कि युवा खुश हैं। मतलब दिखाने का मतलब यह है कि युवा हमारी कार्रवाई से संतुष्ट है। और जब इसके बाद नकल विरोधी कानून लेकर के आए तो उसमें भी पहला मुकदमा किस पर किया, किसी अभ्यर्थी ने शिकायत करी कि पेपर लीक होने की आशंका है। तो ये सारी चीजें उत्तराखंड के भीतर इस समय घटित हो रही है। जी, चलिए अंकित, बहुत शुक्रिया आपका निशुल्क उनसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।